सो हे गाइस, अभी मस्त तैयार यार होली आ जाने के। हाँ, क्या चाय? अच्छा देखो, गुड्डी चाय लेके आई हमारे लिए। वैसे इसका नाम एंजल है। सो गाइस, अभी मस्त तैयार यार हो चीजें जाने के लिए। और हाँ, ये दिवांश, दिवांश क्या कर रहा है वहाँ? उसमें पानी नहीं है ना, इस वजह से वहीं पे साइकिल लेके गया है। तो हाँ, मतलब रेडी हो चुके हैं और बस चलते हैं। अभी वहाँ का सीन दिखाते हैं कैसा है वहाँ का। क्या है? क्या मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ना, सबके सब यहीं पे परेशान कर देते हैं। क्या क्या आपने तो बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। चिल्ला नहीं, मैं आदर्श दिवांश कह रहा था। तो अमन उमन जा नहीं रहे हमारे साथ, क्योंकि इन लोग को कहीं जाने को मिलता नहीं है। तो छोड़ हटा हमारा, क्या हम जा रहे अपना, दूसरों को क्या देखें। तो हाँ, अभी चलो चलते हैं वहाँ पे और इन्जॉय करते हैं थोड़ा बहुत। सो हे गाइस, अभी रुके थोड़ा कुछ खाने वाने के लिए। हम जा रहे थे ना, तभी थोड़ा सा भूख लग गया, तो सोचा कि चलो कुछ खा लें। तो आओ यहाँ पे चलते हैं। ये देखो, अभिषेक भैया खड़े हैं। भाई साहब, क्या खाना है? मोमोज की चाउमीन, जो भी ठीक लगे। मोमोज की चाउमीन। एक मिनट बंद करता हूँ तो बताता हूँ। तो अभी मस्त खावा लिया है और हम लोगों ने मोमोज खाया था। तो बस अब निकलने के लिए तैयार। यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है, तो आधे घंटे में शायद पहुँच जाएँ। हाँ, चलो चलते हैं। सो हे गाइस, अभी मस्त पहुँच चुके हैं यहाँ पे। और मतलब बहुत टाइम पहले पहुँच चुके थे, मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो हाँ, अभी से मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ था। भाई देखिए, हम सब उस रास्ते से आए थे और यहाँ अंदर घर है और जो भी सजावट है वो यहाँ पर है, ठीक है। और भैया और वो बड़े भी आगे जा रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार लोग हैं। उनके सामने क्या बोल के शूट करूँ, आई डोंट नो। तो वही, उस वजह से थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड फील होगा। तो बस ऐसे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे कैसे। रुको, दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर, रुक जाओ, वेट करो। सो दिस इज़ वे जहाँ से हम जाएंगे। और अंदर का ऐसा है कुछ, एक मिनट, ये ऐसा यहाँ पे खाने। और वहाँ वहाँ पीछे ये देखो कुछ मिक्की माउस टाइप का है। और यहाँ पर भी दो ऐसे ही बच्चों के लिए होता है, छोटे छोटे। हाँ, पीछे रहने के लिए है और पीछे भी कुछ है फास्ट फूड वगैरह, बट यहाँ पर अभी नहीं है वो, यहाँ अलग चीज़ें हैं। कैसा है? बारात वारात शायद अभी आई नहीं है, या फिर आ गई है शायद। तो चलो पहले देख लेते हैं। सो हाँ, यहाँ पर ये बन रहा है, ये पौड़ियाँ वोड़ियाँ बन रही है। और वहाँ देखो, वैसे हम सब गाँव से हैं ना, तो ऐसा यही सब अरेंजमेंट होता है। और यहाँ रहने की जगह है, रुको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो बट रही है। और यहाँ पर बाराती लोग हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा किसी को। और बंद करते हैं एक मिनट। यहाँ पर हमारी लैंग्वेज में अगवानी हो रही है, ठीक है। तो आओ दिखाता हूँ अगवानी कैसा होता है हमारे यहाँ। ये यहाँ पर देखो, ऐसे पूजा उजा होती है। पूजा नहीं, मतलब शादी के लिए कुछ होता है, वो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर देखो चप्पल, मैं पहले यार कुछ टाइम के लिए बंद करता हूँ, ये कॉपीराइट आ जाएगा और दिमाग ख़राब होगा। तो हाँ, वो वहाँ पर था। और देखो, यहाँ पर सभी लोग भीड़ लगा के खड़े हैं। और वहाँ पर सारी गर्ल्स लोग खड़ी हैं जितनी भी हैं। और हाँ, बस यही है अब, जो भी है, इतने सारे लोग हैं तो इतना हो रहा है। अभी जो माला वाला पहना जाता है वो तो पहना जा चुका है दूल्हे दुल्हन को। और हाँ देखो, आज मैं बहुत टाइम बाद ऐसे शादी देख रहा हूँ। मैं पिछली बार भी शादी में गया था, बट मैंने ये नहीं देखा था। तो ऐसा बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, अच्छा लगता है यार। मतलब जब दो लोग देखो साथ में हो रहे हों हमेशा के लिए, तो कितना बढ़िया होता होगा ना। खैर छोड़ो। हाँ, तो अभी इन लोग का ये कार्यक्रम हो गया। और हाँ,
फोटो शूट वगैरह चल रहे हैं जो कि एल्बम्स बनेंगे बाद में जाके उन्हें देखा जाएगा, उन्हें देख कर खुश हो जाएगा। सो हे गाइस, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग देखो 4 बजने वाले ऑलमोस्ट 3:50 हो रहे हैं, ठीक है। तो हम सब ने खाना वाना खा लिया था, फिर जाके बैठ गए थे। खाना हम लोग लगभग 1 बजे तक खाए थे, फिर बैठ के बातें कर रहे थे, फिर फ़ोन चला रहे थे, थोड़े गाने सुन रहे थे, ऐसे करते करते टाइम निकल गया। अभी तो 4 बज रहे हैं, अब सोएंगे क्या, जगते ही रहेंगे। और चले मतलब हम लोग निकले थोड़ा राइड के लिए, देखते हैं मतलब कहाँ जाए इधर, ओ सॉरी राइड बाइक है, कहाँ वॉक के लिए निकले। तो हाँ अभी घूम लेते हैं थोड़ा, और ऐसे ही थोड़ा घूम लेंगे, देख लेंगे कहाँ क्या है, फिर सुबह निकल लेंगे यहाँ से। अभी तो पता नहीं सोएंगे नहीं सोएंगे, जो भी होता है सुबह तो निकलना ही है यहाँ से, सोए चाहे ना सोए। चलो तब तक के लिए बाय। तो हे गाइस, वहाँ से आने के बाद अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, नहीं 7 बज रहे हैं, 6:52 हो रहे हैं, मतलब 7 हो गए। तो मैं वहाँ से आया था, मैं आया था सुबह 6 बजे आया था, फिर उसके बाद 12 बजे तक जितना भी फ्रेश रश हुआ, पढ़ाई वढ़ाई की थोड़ा बहुत, वैसे तो नींद बहुत आ रहा था क्योंकि रात भर जगे थे, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई की। फिर 12:30 तक मैं जाकर सो गया अचानक, जैसे कमरे में गया पर जैसे ही लेटा तैसे सो गया। उसके बाद मैं उठा 6 बजे, तो अभी 6 बज के अभी तो 7 बज रहे हैं। तो हाँ गांव में एक और शादी है, तो चलो वहाँ का भी थोड़ा बहुत सीन दिखा देता हूँ। वैसे वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ का व्लॉग मैंने बना लिया जहाँ पे मैं पहले गया था, तो वहाँ के बस थोड़े से सीन्स दिखा देता हूँ उनको। तो ये दूल्हे का भाई है जो पीला कलर का पहन रखा है, ये दूल्हे हैं देख लो। तो वहाँ पर डांस भी हो रहे हैं देख लो चाहे, तो अभी डीजे तो मस्त उधर भी आ चुका है और इधर सभी लड़कियाँ और वो और लोग हैं जो कि डांस करने वाले नहीं होते हैं, जो कि मेन होते हैं वो यहाँ पर हैं। तो चलो इन्हें देखते हैं और यहाँ का ब्लॉग शूट नहीं करूँगा, ओके ठीक है। तो यहाँ के बाद मैं ब्लॉग एंड कर दूँगा, ठीक है चलो बंद करते हैं। सो हे गाइस, अभी टाइम आ गया है कि ब्लॉग को एंड कर दिया जाए क्योंकि ब्लॉग भी ज़्यादा बड़ा हो गया है और मुझे नींद भी आ रहा है, और मतलब मैं सोया तो बहुत था लेकिन ये है ना कि सोने के बाद भी थोड़ा थोड़ा ऐसा रहता है कि जमाई आती रहती है। पूरी रात भर नहीं सोया तो एक रात का जो कसर है वो तो पूरा हो गई। बट अभी का ब्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे गाइस। बट अभी का ब्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं।